फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन से या मोबाइल फोन से ब्यूटीफुल स्टार ट्रेल्स, ब्यूटीफुल लाइट ट्रेल्स जो आपकी ट्रैफिक लाइट ट्रेल्स होती हैं, ब्यूटीफुल लॉन्ग एक्सपोजर क्लाउड मूवमेंट टाइम लैप्सेस या फिर मिल्की वे टाइम लैप्सेस क्लिक कर सकते हैं ऑन अ प्रोमोड। ऑब्वियसली ऑन अ प्रोमोड टू शूट अ स्टार ट्रेल यू नीड अ प्रोमोड, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर हम नॉर्मल टाइम लैप्स पे लगाएं तो उस पर हम प्रोमोड यूज़ नहीं कर सकते, और किसी भी मोबाइल में अब तक प्रोमोड के अंदर टाइम लैप्स फीचर नहीं आया है। एंड क्या होता है कि ऑटो मोड पे जब हम लगाते हैं ना तो हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली ना आई एस ओ बम्प अप कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि एवरीथिंग इज़ टू डार्क, तो उसको लगता है कि सब कुछ डार्क हो रहा है, वो आई एस ओ इंक्रीज़ कर देता है। एंड हमें स्टार ट्रेल्स के लिए, हमें करेक्ट एक्सपोजर के लिए, करेक्ट कलर्स के लिए गैलेक्सीज एंड प्लैनेट के, हमें उसको थोड़ा अंडर एक्सपोज शूट करना होता है। एंड प्लस इफ़ यू लव टू शूट मिल्की वे और आपको मिल्की वे टाइम लैप्स से शूट करने का मन है, तो आपको सिर्फ प्रो मोड ही एक ऑप्शन है जिसमें आपको वो टाइम लैप्स से शूट करने पड़ेंगे। बैड लक ये है कि अब तक किसी भी मोबाइल ने टाइम लैप्स फीचर इन प्रोमोड नहीं दिया है, बट थैंकफुली द मोबाइल फोटोन टीम दे हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू ऐप फॉर स्मार्टफोन जो कि आपके प्रो मोड पे भी टाइम लैप्स फीचर देती है। मैं ऑन फील्ड आपको शूट करके पूरा स्क्रीन पे बताऊंगा। सो थ्रू दिस ऐप नॉट जस्ट यू कैन क्लिक सम ब्यूटीफुल स्टार ट्रेल्स अभी क्वारंटाइन टाइम में, बिकॉज अभी स्काई काफ़ी क्लियर है, काफ़ी प्लैनेट्स हमें दिख रहे हैं, काफ़ी गैलेक्सीज हमें दिख रही हैं, तो हम इस वक्त स्टार ट्रेल्स बना सकते हैं, क्योंकि लाइट पॉल्यूशन थोड़ा है, लाइट पॉल्यूशन नॉर्मल है, बट एयर पॉल्यूशन क्योंकि कम हो गया तो हमें थोड़े से ज़्यादा प्लैनेट दिखने शुरू हो गए हैं, थोड़ी ज़्यादा गैलेक्सीज दिखनी शुरू हो गई है, तो आप स्टार ट्रेल्स शूट कर सकते हैं। आफ्टर क्वारंटाइन इफ़ यू लव टू शूट कार ट्रेल्स टाइम लैप्सेस, इफ यू आर विजिटिंग एनी प्लेस जहां पे आपको मिल्की वे दिखता है, वहां पे आपको मिल्की वे टाइम लैप्सेस बनाने अपने मोबाइल से, तो थ्रू दिस ऐप विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप एंड विद द हेल्प ऑफ योर कैमरा प्रो मोड, आपके कैमरा में जो प्रो मोड फीचर अवेलेबल है उसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से यू कैन शूट सम ब्यूटीफुल टाइम लैप्सेस। सो चलिए लेट्स गो टू दिस ऐप एंड चेक आउट दैट हाउ दिस ऐप एक्चुअली वर्क। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐप कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको अपना कैमरा खोलना है, ना कैमरा खोलिए अपने मोबाइल में, एंड उसके बाद आप प्रो मोड पे जाइए एंड प्रो मोड पे आप गए एंड प्रो मोड पे आपको ये ऐसे करके अपने फीचर्स दिख जाएंगे। सो आप देख सकते हैं हम कैल्विन मैंने मैनुअली सेट किया है, बिकॉज आई थिंक 4500 इज़ द बेस्ट कैल्विन फॉर नाइट फोटोग्राफी। मैनुअल फोकस मैंने रखा हुआ है लेकिन इन्फिनिटी पे, लैंडस्केप वाले मोड पे। ये मैक्रो है, आप बिल्कुल नीचे वाला देखेंगे, यहाँ पे पहाड़ बना हुआ, दैट इज़ लैंडस्केप मोड, दैट मीन्स इन्फिनिटी फोकस। तो इन्फिनिटी फोकस पे सेट किया, उसके बाद हम ये चीज़ें हम सेट नहीं करेंगे। And let me come to the shutter speed. This is shutter speed 10 seconds, 0.5 मतलब कि हाफ सेकेंड। तो मैं 10 सेकेंड पे करूँगा बिकॉज आई एम शूटिंग शॉर्ट ट्रेल, आई वॉन्ट ट्रेल्स। तो इसमें मुझे मिल्की वे अगर मैं शूट कर रहा था तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहाँ पे 4 या 6 या 8 सेकेंड पे शूट कर रहा था, क्योंकि सेंसर का सेंसर उसको ले थोड़ा सा ट्रेल बना देता है उसके अंदर। बट यहाँ पे आई वॉन्ट ट्रेल्स, सो आई एम गोइंग टू शूट ऑन 10 सेकेंड्स। आई एम यूजिंग f 1.5, 2.4 भी अवेलेबल है बट मैं 1.5 पे शूट करूँगा। मोस्टली मोबाइल्स के अंदर ये आई थिंक S9 Plus के अलावा ये किसी भी मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन फीचर नहीं होता, आपके ऑलरेडी सेट आते हैं 1.7 या 1.8 अपर्चर पे। सो आपको अपर्चर आपको सेट नहीं करना। ISO आप देखेंगे मैं 100 पे शूट कर रहा हूँ, अगर मैं 400 करूँ आपको लगेगा लाइक जब हम हिमालयस में शूट करते हैं तो वहाँ पे बहुत डार्क एरिया होता है, लेकिन आई एम शूटिंग राइट नाउ इन दिल्ली, या फिर आप जितने भी मेट्रो सिटी से शूट कर रहे हैं वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन बहुत होता है, तो उसकी वजह से अगर आप 400 ISO या 3200 ISO में अगर आप शूट करेंगे, लेट मी शो यू वन शॉट। तो आप ये चीज़ चेक करेंगे कि आपका जो शॉट है ना वो टोटली ओवर एक्सपोज हो जाएगा इवन इन 320 ISO। तो लेट मी शो यू द फोटोग्राफ। सो दिस इज़ अ फोटोग्राफ विच इज़ टोटली ओवर एक्सपोज, आई डोंट वॉन्ट दैट मच लाइट इन माई शॉट। सो वॉट आई विल डू कि मैं ISO बम्प अप नहीं करूँगा, ISO मैं डाउन कर दूँगा अराउंड 125 और मे बी 100, आई थिंक 125 इज़ फाइन। सो लेट मी टेक अ वन फोटोग्राफ ऑन 125। बिफोर स्टार्टिंग इंटरवेलोमीटर ऐप मैं अपनी पूरी प्रो मोड को पूरा पहले सेट कर लूँगा। तो लेट मी चेक कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं 125 ISO में रिज़ल्ट ये आया है और 320 ISO में ये रिज़ल्ट, तब बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको स्टार्स, इस वाले शॉट में आपको स्टार्स बहुत ही मिनिमम दिख रहे होंगे, ओवर एक्सपोज हैं, और जब आप 100 फोटोज़ या 50 फोटोज़ जब मर्ज करेंगे तो ये शॉट बिल्कुल ही ओवर एक्सपोज हो जाएगा। इवन दिस वन इज़ लिटिल ओवर एक्सपोज, सो आई विल गो विद 100 ISO, माइट बी 100 और अराउंड 80 ISO आई थिंक।
सो लेट मी चेक, बिकॉज जब आप 100 शॉट्स कंबाइन करेंगे ना तो आपके स्टार्स के बाद स्टार्स के बाद स्टार्स ऐड होते हैं एंड उसमें लाइट और इंटेंसिटी आपकी बढ़ती रहती है. तो मैं थोड़ा अंडर एक्सपोज शॉट लूँगा एंड आई थिंक आई विल गो विद दिस शॉट. या दिस शॉट इज स्टिल फाइन. अगर मैं देखूँ तो 100 आई एस ओ 125 आई एस ओ में बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है मेरे को एंड 80 आई एस ओ इज गोइंग वर्किंग फाइन. लेट मी ट्राई अनदर वन लास्ट शॉट विद अ 50 आई एस ओ. जब आप 3-4 बार स्टार्ट रेस ले लोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा अपने आप के आपको कितना आई एस ओ सेट करना है फॉर 300 शॉट्स और 100 शॉट्स. सो आई थिंक दिस might be work. So 80 is little overexposed to me and 50 is little underexposed to me. So I will go with the 64. Agar isme hai to yes, 64 is there. Let me take a last test shot and then I will decide 80, 50 or 64. So the result is this: 64 ISO, 50 ISO and 80 ISO. I think 64 is working fine. Yes, 64 is working fine. Then mera ye cheez set ho gayi hai. Then I will go to my app, इंटरवेलोमीटर ऐप, एंड आपको ये ऐसे करके दिखेगा जब आप सबसे पहले ओपन करेंगे. तो जहाँ पे ओपन इंटरवेलोमीटर लिखा है आपको सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है एक बार और आपका ये बार नो पॉप अप हो जाएगा. देन गो टू योर कैमरा प्रो मोड पे जो आपने सेटिंग्स रखी थी आपको सारी सेटिंग्स सेम रखनी है. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहले लिखा है टाइमर. टाइमर मींस कि जैसे ही आप प्रेस करें स्टार्ट तो कितनी देर बाद आपका ये ऐप शॉट लेना स्टार्ट करे. इट्स लाइक अ टाइमर जो आपके मोबाइल के अंदर या आपके कैमराज के अंदर होता है. इमेजेस जो आपको सेकेंड वाला दिख रहा है हैशटैग इमेजेस, दैट मीन्स कितने शॉट यू वॉन्ट के आपका मोबाइल ले. एंड जो इंटरवल आप देख रहे हो वो है इंटरवल आप कितने शॉट का इंटरवल देना चाहते हो बिटवीन टू शॉट्स. तो अगर मैं आपको यहाँ पे अपना शटर स्पीड दिखाऊँ, सो शटर स्पीड इज़ 10 सेकेंड. अगर मैं इंटरवल 10 सेकेंड रखूँगा तो आफ्टर 10 शॉट एग्जैक्टली 10 सेकेंड के बाद मेरा जो ऐप है वो एकदम से शॉट ले लेगा, विच आई डोंट वॉन्ट. आई वॉन्ट टू गिव एटलीस्ट 2 or 3 सेकेंड का इंटरवल बिटवीन टू शॉट्स सो दैट मेरे मोबाइल को इतना टाइम मिले कि वो एक शॉट के बाद दूसरे शॉट को राइट कर सके मेमोरी कार्ड के अंदर. सो आई विल सेट नंबर ऑफ शॉट वुड बी लाइक 999. लेट मी गो विद 999 बिकॉज उससे पहले ही माइट मैं बंद कर दूंगा. टाइमर 3 सेकेंड इज़ फाइन. एंड इंटरवल की बात करें तो मैं 13 सेकेंड में 12 सेकेंड आई थिंक 12 सेकेंड रख लेते हैं. 12 सेकेंड का इंटरवल दूंगा एंड आई विल प्रेस ओके. नाउ अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट दिख रहा है, स्टार्ट इन्फिनिटी दिख रहा है एंड स्टॉप दिख रहा है. स्टॉप तो आपको तब दबाना है जब आपको स्टॉप करना होगा शॉट. और उसके नीचे जब आप बिल्कुल स्टार्ट के नीचे आप देखो तो आपको एक रेड कलर का कर्सर दिख रहा है. आपको उस रेड कलर के कर्सर पे प्रेस करना है एंड आपको ये एक आइकन सा दिख जाएगा, शूटिंग आइकन जैसा. तो इस आइकन को आपको अपने शटर बटन के ऊपर रखना है जहाँ से आप शटर क्लिक करते हो अपने मोबाइल का. दैट्स इट, यू हैव डन इट. नाउ जस्ट प्रेस स्टार्ट इन्फिनिटी एंड आफ्टर 3 सेकेंड सी द टाइमर हैज स्टार्टेड एंड माई मोबाइल स्टार्ट टेकिंग 4F ऑटोमेटिकली. लेट्स सी एक दो शॉट्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका मोबाइल कैसे इंटरवेलोमीटर पे काम करता है. 2 सेकेंड का इंटरवल लिया एंड सी अगेन द मोबाइल इज टेकिंग शॉट. सो दैट्स हाउ यू कैन टेक इंटरवल शॉट्स, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स. अगर आप बादलों के शॉट लेना चाहते हैं रात के वक्त या फिर अगर आप शॉर्ट रील्स लेना चाहते हैं अपने मोबाइल में प्रो मोड पे बिकॉज ऑटो मोड पे नहीं. ऑटो मोड पे ISO बहुत बम्प अप हो जाता है. इफ़ यू वांट एवरीथिंग मैनुअल एंड आपको सब कुछ प्रो मोड पे शूट करना है तो आप इंटरवेलोमीटर ऐप यूज़ कर सकते हैं टू टेक अ ब्यूटिफुल शॉर्ट रील्स इन एनीवेयर. नाउ आई हैव प्रेस स्टॉप सो यू कैन सी कि जो टाइमर है वो स्टॉप हो गया है. स्टॉप दबाते ही और अगर अब आप अपनी गैलरी में जाएं तो यू कैन सी ऑल द शॉट्स जो आपने आपके मोबाइल ने लिए हैं. So thank you guys for watching this video. Now you know that how to use your pro mode and how to create some beautiful time lapses with your mobile phone. And don't forget to give them a 5-star on a Google Play Store. आप जाके उनकी app download कर सकते हैं और वहाँ पे उनको ratings भी दे सकते हैं, review दे सकते हैं, ratings दे सकते हैं. It can actually help them to make some more beautiful and more useful apps for the mobile phones. So obviously those apps will help us to create some more creative stunning photographs. So thank you so much guys for watching this video. Some more interesting videos are coming soon on my YouTube channel. Keep following me on Instagram and subscribe my YouTube channel and stay at home, be safe.